नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजीत नंदा। आज हम बात करने वाले हैं कि हम सबको पता है, अगर एक जवान छुट्टी में रहता है, ऑन लीव रहता है, लीव के दौरान अगर उसको कोई चोट लगती है और एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसको उसी केस को ड्यूरिंग मिलिट्री सर्विस कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको हम नाना केस करते हैं, जिसके लिए कि जवान को कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलता, जैसे कि डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह, और उसको वो केस को नाना केस में कंसिडर किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग लीव, छुट्टी के दौरान भी कैसे एक जवान को अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कोई चोट लगती है, इसको कैसे ये एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री सर्विस के दौरान ही लगा को कंसिडर किया जाएगा, ऐसे में एक कंडीशन भी है, ये बात मैं आपके पास पहुंचाना चाहूँगा। तो कि आई होप ये सारे जितने भी जवान इंडियन आर्मी में जॉब कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एयरफोर्स हो या नेवी हो, उनके लिए फायदेमंद हो। अगर मान लो आपको ये चीज़ के बारे में पता होगा, आप कभी भी छुट्टी जा रहे हो, ऐसा कुछ कंडीशन से उसको आप ध्यान में रखो हमेशा, तो आपको कभी भी इसका लॉस नहीं होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक्स सर्विस अजीत नंदा हूँ और मेरा जो सर्विस है वो 7 ईयर्स ऑफ सर्विस है, और अभी मैं इधर आके सिविल की नेक्स्ट कैरियर की तैयारी के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो फौज से आते हैं हमारे जवान, उनको जो भी बेनिफिट लागू है उनको मिले, लेकिन तभी मिलेगा जब जवान को उसके बारे में पता होगा। तो वो जो छोटी छोटी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका बेनिफिट कट जाता है, माइनस होता हो, ताकि उनको वो चीज़ पता हो, वो गलती ना करें, वो सारे चीज़ मिले, इसलिए मैं पहले उनको सतर्क कर देता हूँ। तो कैसे कंडीशन में किसको मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, उसको बताता हूँ। तो हमारे इस परिवार में कम से कम 200 से ज़्यादा तो सब्सक्राइबर हो गए हैं, सब जुड़े हैं, सब एक दूसरे को मुझे कोई जिसका कोई केस है, डाउट है, अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं और डाउट पूछते हैं, मैं उनको सलाह देता हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट अभी ओके है, वो पूछते हैं क्या मैं अगर इस कंडीशन में जाता हूं, तो मुझे डिसेबल पेंशन लागू है या नहीं है, मुझे ये फैसिलिटी मिलेगा नहीं मिलेगा, सब हम बोलते हैं। और उनको कोई चाहिए होता है तो जैसे कि उनका कोई कंसिडर, मैं 10 साल का नौकरी है, 10 से कम है, 10 से ज़्यादा है, मेरे वाला कोई केस है, दूसरे बंदे उनसे भी हम बात कराते हैं और हमें उनको सलाह देते हैं। अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें शेयर कर सकते हो, हमारे मेरे दूसरे कुछ एक दो वीडियो में अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उसमें जाके आप देख के मेरे को कोई भी आपका डाउट है तो पूछ सकते हो, आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट है पूछ सकते हो, और हमारे साथ आप जुड़ो ताकि आपका भी कोई प्रॉब्लम है, आपके सेम केस हो, उसी केस का एग्जाम्पल के साथ हम आपको सही सलाह देंगे, ताकि नेक्स्ट आपको क्या करना है नहीं करना है। सारे चीज़ जानने के बाद ही मैं आपको बोलूँगा, यूट्यूब चैनल में कोई भी चीज़ आप देखते हो, जानते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट आप जाइए अपने ऑफिस में, उसको कंफर्म कीजिए, फिर फाइनल डिसीजन आप लिए, और आपका डिसीजन आपको खुद का होना चाहिए, ना कि कोई थर्ड पर्सन के बोलने से आप कभी नहीं लेना, अपना खुद का डिसीजन खुद ही लेना। तो शुरू करते हैं हमारा ये जो टॉपिक है, जैसे कि अगर कोई जवान छुट्टी जाता है और छुट्टी के दौरान अगर उसको कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, फिर क्या होता है, जब वो आता है उसको एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, मतलब मिलिट्री सर्विस के दौरान, मिलिट्री काम वर्क करने के दौरान उसको चोट नहीं लगी है कंसिडर किया जाता है, और उसको अपने गलती और अपने काम के दौरान लगा, इसलिए उसको डिसेबल पेंशन नहीं मिलती। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जब बंदा छुट्टी जाता है, उस टाइम में भी अगर उसको चोट लगता है उसको मिलता है डिसेबल पेंशन। तो वो क्या है, जब एक जवान छुट्टी जाता है, जब छुट्टी जाता कहाँ से, अपन ड्यूटी स्टेशन, ड्यूटी जहाँ कर रहा है वहाँ से घर को, घर मतलब होम स्टेशन में, ड्यूटी स्टेशन टू होम स्टेशन जाता है ड्यूरिंग ट्रैवल, और उसको कोई चोट लगती है, उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको हम मिलिट्री सर्विस के दौरान कंसिडर करेंगे। वैसे ही जब वो छुट्टी से लौटता है अपने ड्यूटी स्टेशन में, तो फिर भी अगर उसको रास्ते में कोई चोट लगता है, ट्रेन में, बस में, कहीं भी और एक्सीडेंट हो जाता है, उसे मिलिट्री सर्विस में काउंट किया जाता है। क्यों, ये तो रूलिंग है और इसका फैक्ट आपको लॉजिकली मैं समझाना चाहूंगा। मान लो जवान का रिपोर्टिंग है 15 तारीख को,
तो उस हिसाब से वो ट्रेन में टिकट करके भाग दौड़ के आके उधर ड्यूटी में ज्वाइन करने के लिए आता है। हमारा फौज में है तो उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ता है। तो उसके दौरान आते आते वहाँ पर उधर उसको कोई रास्ते में कुछ हो जाता है तो मिलिट्री सर्विस के दौरान ही उसको माना जाता है, क्योंकि वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ रहा था, उसको चोट लगी। तो ड्यूटी में ज्वाइन करने के लिए आ रहा था, ड्यूटी में आ रहा था, उसको उसको माना जाएगा एटीट्यूड टू मिलिट्री सर्विस। चाहे वो ड्यूटी स्टेशन से होम स्टेशन जाए या होम स्टेशन से ड्यूटी स्टेशन में आए, तो उसको नाना केस नहीं माना जाएगा, एटीट्यूड टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि सारे केस के कंडीशंस होता है और इसी के लिए भी कंडीशंस है, आपको उस कंडीशन के बारे में जानना जरूरी है। एक तो जब बंदा छुट्टी जाता है या छुट्टी से लौटता है तो उसका ड्यूटी स्टेशन और होम स्टेशन के बीच में, जहाँ ड्यूटी करता है जहाँ घर, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम रास्ता वाला जो रूट है, बाई बस हो या बाई ट्रेन में आ रहा है वो, ऐसे नहीं कि वो पहाड़ जंगल कूद के आ गया, उसके नहीं, जो रूट होता है शॉर्टेस्ट रूट, वहाँ उसी रूट में उसको ट्रैवल करना चाहिए। जैसे कि हमारा जो वारंट मिलता है, फिर वारंट इशू होता है, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए दिया था ना, कि आप मान लो कि आप रहने वाले हो यूपी के और आप अभी पोस्टेड हो झारखंड में, तो झारखंड से यूपी में जाने के लिए बाई बस में या बाई ट्रेन में जो रूट है आप उसको फॉलो करना, ना कि आप झारखंड से निकलो वेस्ट बंगाल दे के वहां से भी रूट है जाने के लिए यूपी में, वहां घूम के जा रहे हो, अगर चोट लगे उसको नहीं कंसिडर किया जाए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव स्टेशन एंड द होम स्टेशन के बीच में आपको ट्रैवल करना है। और दूसरी चीज ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, मान लो आप जब छुट्टी में जाते हो आपके पास प्रॉपर ऑथोरिटी होना चाहिए। प्रॉपर ऑथोरिटी मीन्स आपको जो ट्रैवल करते हो ट्रैवल का आपके पास वारंट होना चाहिए, फ्री वारंट हो या सीबी, ठीक है, कंसेशन वाउचर सीबी वारंट हो, उसमें वारंट लेके, आजकल तो वारंट नहीं लेते, तो ई टिकट होता है, ई टिकट में आपको जाना चाहिए। अगर आप ई टिकट में भी नहीं गए हो तो आप प्रॉपर ओन अरेंजमेंट में गए हो अपना टिकट करके, वो टिकट आपको शो करना है, क्योंकि आपको जब जिस दिन लगा था उस दिन आप जा रहे थे, तो उसका प्रूफ कैसे मिलेगा, तो आपके पास टिकट होना चाहिए, प्रॉपर टिकट। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी में जा रहे हो सबसे बढ़िया है कि आप टिकट किए थे, आप लीव जा रहे थे और लीव सैंक्शन हो रखा है तो ड्यूरिंग उसी दौरान लगी है, तो आपको उसको कंसिडर किया जाएगा कि यह एक्टिविटी मिलिट्री सर्विस है। तो मेन चीज आपको बोलने के लिए मैं चाहूँगा, आप कभी भी छुट्टी जाते हो तो आपके जहाँ ड्यूटी कर वहाँ सीधे घर ही जाना, जो डिस्टेंस है, आप मान लो रास्ते में मुझे कोई काम है कोई रिश्तेदार, उस रूट में चले जाओ काम खत्म करके, अगले 2-4 घंटे बाद दूसरा ट्रेन पकड़ घर पहुंच जाऊंगा, उसी रूट में टिकट करते हो तो वो गलत है, वैसे मत करना। डायरेक्ट जो घर में पहुंचे फिर आप कहीं जाना जाइए, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रूट है वहाँ फॉलो कीजिए। दूसरी बात, कभी भी आप ओन अरेंजमेंट, ओन अपना खुद का पैसे से टिकट करने से पहले हमेशा कोशिश करना, जहाँ पर वारंट मिल रहा है वारंट ले लीजिए, नहीं तो जहाँ पर ई टिकट है ई टिकट से ही कीजिए, जहाँ जाए और आने के टाइम ई टिकट हमें मिला है मिलेगा। अगर आप अपने ओन अरेंजमेंट में करते हो, रास्ते में कुछ हो जाता तो पूछे आप ई टिकट क्यों नहीं ली, पता आपके पास भी जवाब नहीं होगा, तो आपका हक है, आपको फ्री में मिल रहा है या तो 50% कंसेशन में मिल रहा है, टिकट को प्रॉपर अवेलेबल कीजिए। और ये चीज़ होने के बाद ही आज तो हम तो बोल नहीं सकते कि आज हम निकल रहे हैं रास्ते में जाके घर में पहुंचते पहुंचते सब आराम से पहुंच जाए, कल क्या होगा नहीं किसी को पता नहीं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है जाने के टाइम में या आने के टाइम में, आपके पास प्रॉपर टिकट है, छुट्टी गए हो आप फौज से टिकट लेके गए हो, तो आपको ये कभी भी नाना केस कंसिडर नहीं किया जाएगा, एटीट्यूड टू मिलिट्री सर्विस किया जाएगा। क्योंकि जो भी चोट लगती है जब हम ट्रैवल करते हैं उस टाइम लगते हैं, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल तब करते हैं जब हम ड्यूटी स्टेशन से घर जाते हैं, बाकी तो घर में जो काम करते छोटे छोटे उस एरिया में करते हैं उतना उसमें डेंजर नहीं होता। तो आप आगे से ध्यान रखना, कभी भी छुट्टी जाते हो तो ये अपना टिकट लेना और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना, और आपको कुछ चोट लगती है प्रॉपर रिपोर्ट करना, और उसको अगर नाना केस में करते हैं नहीं देते तो आपको बताना कि इसको जो ट्रैवल द्वारा इसको नाना केस नहीं माना जाता, ताकि आपको अपना जो बेनिफिट है सारे मिल पाए। अगर आपको ये नई जानकारी मिली होगी मेरी तरफ से, आपको अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोज हैं पहुंच सके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई भी चीज़ मेरी सलाह चाहते हो तो मेरे दूसरे नंबर में, आप व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल कॉल करके पूछ सकते हो, मैं आपको अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगा। और जितने भी वेलफेयर वाला है, छोटी छोटी चीज़ें जो जवान के पास पता नहीं नहीं पहुँच पाता है, मैं कोशिश करूँगा आपके पास पहुँचे, आपका जो है हक आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।